स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ नीरज फ्रॉम अंश इन्फोटेक। आज मैं LED वॉल के लिए जो कंटेंट्स होता है उसका अपडेट्स देने जा रहा हूँ। जैसे LED लाइट्स हो गया, आजकल लाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके कुछ डिजाइंस है मेरे पास, जैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी वॉल्यूम होगा, ऑलरेडी जो हमने डेटा दिया होगा उसमें। ये हार्ड ड्राइव देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं ओपन कर देता हूँ पहले मेरे पास क्या था, अभी जो हम अपडेट करेंगे तो क्या क्या अपडेट होगा। जैसे नोवा 3D मैपिंग का आप ओपन करते हैं फोल्डर, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक LED नियोन लाइट्स के नाम से फोल्डर है हमारे पास, 13 वॉल्यूम पहले से होता था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये मटेरियल देने जा रहा हूँ, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको कि कैसे चलाना है। और दूसरा जो आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ट्यूटोरियल भी रहेगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ नियोन लाइट्स का जो फोल्डर है ऑलरेडी मेरे पास, यानी 13 फोल्डर था, मैं 15 आपको करके दे रहा हूँ। यानी कि एक तो ये वाला मटेरियल रहेगा आपके पास जो इसके अंदर खाली लाइट्स है, और इसको चलाना कैसे है वो भी मैं गाइड कर दूंगा कैसे इसको चलाना है। ये आप लोग डाउनलोड करके अपने लिए चला सकते हैं। एक तो ये लाइट्स का जो फोल्डर है ये अब नियॉन लाइट्स का अपडेट होगा, और दूसरा ये लाइट्स के अंदर भी आपका ये 15 फोल्डर बन जाएगा जो मेरा हार्ड ड्राइव है जो आपके पास होगा। तो ये लाइट अगर देखेंगे तो 12 फोल्डर इसमें रहता है, वो 15 हो जाएगा, और नियॉन लाइट्स में देखेंगे अगर तो 13 होता है, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो लगभग हमने 25 आपको लाइट्स का अपडेट दिया है। इसको आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके इसको चलाइए, ये वीडियो देख के चलाना भी सीख सकते हैं। यहाँ से ओपन करेंगे आप, जैसे मैंने बताया डाउनलोड करके आपको यहाँ पे रखना है, नियॉन लाइट्स वाले को नियॉन लाइट्स में रखना है, ऐसे लोकेशन मैच रहेगा, आपको यहीं पे उसको रखना है। जैसे मैं 15 नंबर की बात कर लेता हूँ, वॉल्यूम 15, तो इसमें क्या है ये आपने रखा, और रखने के बाद आपने प्ले किया। मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि बैकग्राउंड के साथ इसको चलाना है अगर तो कैसे, आप लोग बड़े इजी तरीके से कंट्रोल आपके हाथ में होगा और चलाएंगे। तो इसको जो है देखिए, ये सारी जो बैकग्राउंड्स होती है हमारी अल्फा होती है, यानी मेरे कहने का मतलब अगर नीचे आप लूप चलाते हैं, कोई बैकग्राउंड चलाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा लाइट काम करता है। सपोज हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, डाला, और इसको प्ले करते हैं तो ये प्रीव्यू मॉनिटर में ऐसे दिखता है। ये पहले के अकॉर्डिंग बिल्कुल नया लाइट्स है, नियॉन लाइट्स नया है, और लाइट्स कोई भी हो, चाहे वो नियॉन की बात कर ले और चाहे वो लेज़र लाइट की बात कर ले, चाहे हमारे डॉट वाले जो बल्ब लाइट्स होता है LED का, तो उसकी बात कर ले। जैसे ये लाइट्स की बात करते हैं तो इसमें भी वॉल्यूम जैसे मैंने बताया 13 तक होता था, 15 तक हो गया है। तो ये हमने उठाया, एक दूसरे को मैचिंग करा के आप इसको भी आप प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे ये आजकल चल रहा है, ये डॉट वाली लाइट गोल्डन डॉट है, ये वाला इस टाइप से बॉर्डर टाइप का है, ये इस टाइप से है, और इसको मैप करना है अगर तो आप देखिए यहाँ से एडवांस में जैसे गए और ये स्लाइस बना के हमने कंट्रोल किया हुआ है। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मैप करते हैं तो विंग्स चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, और जो मेरी लाइट्स है वो ऑटोमेटिक जो है सब पे काम करेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब, जैसे ये सेंटर आपने बनाया, डिसाइड किया, और मेरे को लगता है कि दो विंग्स पे मेरा लाइट चलना चाहिए, जैसे मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा जगह बना लिया, और इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया जो स्लाइस बनाया है, तो ये डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया, ये जिगजैग डिज़ाइन बनाना है तो इधर दो विंग्स हमने डिज़ाइन कर लिया, और लेफ्ट और राइट की बात करें तो इधर भी मेरे को लगता है कि ये पूरे पे आना चाहिए, और थोड़ा सा जगह इधर बना लिया मैंने, और ये वाला विंग्स जो है मेरा ये डुप्लीकेट करके आप राइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर सेव कर दिया आपने और मेरे को लाइट चेंज कर दिया, और फिर से जाके अगर आउटपुट में देखते हैं, यानी LED वॉल पे अगर देखते हैं, तो इस टाइप से पिलर ऑटोमेटिक ये काम करेगा। यानी लाइट्स कोई भी आप प्ले करेंगे तो उसी डिज़ाइन में, चाहे वो बल्ब वाली लाइट्स हो, चाहे आपका लेज़र वाली लाइट्स हो, चाहे सेंटर को कंट्रोल किया है आपने या विंग्स को कंट्रोल किया है, सब पे आपका ऑटोमेटिक लाइट आ जाएगा। ये तो खाली लाइट्स हो गया, और लूप की बात करते हैं, इसमें फ्री कर रखा है कि आप अपने से लूप डाल के उसको आप प्ले कर सकते हैं। जैसे लूप हमने क्या किया, ये डबल क्लिक किया, जो भी आपका डाउनलोडेड लूप है या खुद से बनाया हुआ है या कहीं से अरेंज किया हुआ है, तो कोई भी लूप अगर इस पर आप प्ले करते हैं, यानी कि जैसे मैंने क्या किया, सिंपल सा एक फ्लावर्स की बात कर लिया, यहाँ पे डाला और फ्लावर्स को प्ले कर दिया,
तो ये जो भी आपका लूप होगा उसके ऊपर हमारी लाइट काम करेगी, कितने लोगों ने बॉर्डर को स्पेशल बनवाया है कि मेरा बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर लगा के आप बना के दीजिए, और ये जो स्पार्कल टाइप का लाइट्स चाहिए था तो ये हमने काफ़ी लोगों को बना के दिया है। मतलब आप टोटल का बात करें तो 20 लगभग हमारे पास नियॉन लाइट्स हमने अपडेट किया है, और 20 आपका फ्रेम वाला लाइट्स अपडेट किया है। आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।